हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मेरी मॉर्निंग आज बहुत ज़्यादा जल्दी हो गई थी। मैं 5 बजे उठ गई थी एंड उठते ही मैं छत पे आ गई योगा करने के लिए। टाइम के कंस्ट्रेंट की वजह से मैंने सोचा है कि मैं अब से अपना योगा छत पे ही करूँगी और एक्सरसाइज भी वहीं पे करूँगी। और वहाँ पे इतना ज़्यादा अंधेरा था कि कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो योगा करने के बाद में मैं वापस आ गई, अपने लिए पानी गर्म किया और आराम से पानी पीते पीते मैंने सोचा कि आज पूरे दिन में क्या करना है, मतलब क्या क्या करना है और कब कब करना है, कैसे करना है। तो ये सब चीज़ें डिसाइड करने के बाद में मैंने अपना इतना सुबह उठने का फ़ायदा उठाया। सबसे पहले मैंने जो भी चीज़ें मुझे याद करनी थी, जो भी टॉपिक्स मुझे याद करने थे, वो सब्जेक्ट उठा करके याद करना स्टार्ट किया। मेरे लिए भी ना बहुत लोगों की तरह सुबह उठना ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर लेते हैं हद से भी ज़्यादा, तो वो चीज़ कर ही नहीं पाते हैं। दैट्स वॉट, एक बस डिटर्मिनेशन करना चाहिए कि हाँ भाई कल से ये चीज़ करनी है और थोड़ा बहुत सोच लो, थोड़ा बहुत डिसाइड कर लो, दैट्स ऑल। एंड अगले दिन से बस स्टार्ट कर दो करना। मोस्ट ऑफ द टाइम वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। जितना ज़्यादा हम सोचते हैं ना, उतना ज़्यादा हम कर नहीं पाते हैं और फिर हमें ही बुरा फील होता है। मैं इतने दिन से सुबह उठने का सोच रही थी बट कर ही नहीं पा रही थी। लास्ट नाइट मैंने कुछ भी नहीं सोचा एंड जस्ट मेरा अलार्म बजा, तुरंत मैंने उठ करके लाइट्स ऑन कर दी और डायरेक्टली मैं योगा करने के लिए चली गई ताकि मेरी नींद खुल जाए। एंड ऐसा ही अब हर दिन अच्छे से होने लगा है। 1.5 घंटे से याद करते करते अब मुझे लग रही थी भूख, तो मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में आ गई। और आज मैंने सोचा था कि मैं अपने लिए वेज रोल बनाऊंगी। सो पतला सा पराठा मैंने बना लिया था, केचप लगाया इसके ऊपर और बहुत सारी जिसमें शिमला, गाजर, प्याज, पत्ता गोभी और भी कुछ सब्जियां थी, ये सब डाल करके मैंने इसे रोल कर दिया और टेस्टी टेस्टी यमी यमी रोल खा करके मैं फिल हो गई। देन इसके बाद में मैंने अपना यहाँ पे आकर के लेक्चर स्टार्ट कर दिया। तो जैसा कि मैं हर एक ब्लॉग में बताती हूँ कि मैं स्लीपी क्लासेस से सोशियोलॉजी के लेक्चर्स देखती हूँ, तो आज भी मैंने आपको एक बार इन्फॉर्म कर दिया बिकॉज बहुत सारे लोगों को जानना रहता है, सो दैट अगर वो सर्च कर रहे हैं तो उनको एक हेल्प मिल जाए। तो 2-3 मिनट बैठने के बाद में मुझे ये सेटअप अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने अपनी लाइट्स बंद कर दी, लैम्प ऑन किया और इसके बाद में जो फेरी लाइट्स हैं उनको ऑन किया। ऐसे करने के बाद एक प्यारा सा माहौल बन जाता है, बहुत अच्छी वाइब्स आने लगती हैं, तो पढ़ने में ना बहुत मज़ा आता है। और जब से मेरा ये सेटअप चेंज हुआ है ना, आई एम जस्ट लविंग दिस प्लेस। तो मेरा मन जब नहीं पढ़ने का मन करता रहता है या फिर थोड़ा बोरिंग लगता है, तो मैं ऐसे सेटअप बना लेती हूँ। डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ चेंज ओवर हियर वाज रियली अ ग्रेट डिसीजन ऑफ माइंड एंड आई एम रियली लविंग इट एज वेल। शेयर समथिंग विच कैन बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। हम हर एक सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले एनसीईआरटीज हमेशा रीड करते हैं बिकॉज दीज आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू अंडरस्टैंड एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। बट व्हाट हैपेंस कि हम जब अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तभी एनसीईआरटीज को पढ़ते तो जाते हैं और तब हमें लगता है कि हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। बट वेन वी कम टू रिवाइज इट एट दैट टाइम हमें लगता है कि हमने क्या पढ़ा था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि काफी टाइम हो चुका होता है और आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग एक्चुअल में नहीं बिल्डअप हुई होती है और आपने चेक भी नहीं किया होता है। दैट्स व्हाट, हमें कुछ याद नहीं आता है। बट जब हम कोई चैप्टर कंप्लीट करते हैं उसी के डायरेक्टली बाद अगर हमारे पास कोई मैकेनिज्म हो टेस्ट करने का खुद को, तो हमें वहीं पे पता चल जाएगा कि हमारी कितनी अंडरस्टैंडिंग बनी है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद में, एंड विल बी रियली यूजफुल टू यू। तो मेमो यूपीएससी करके एक ऐप है जिसको मैंने अपने एनसीईआरटी के चैप्टर्स रीड करने के बाद में अभी स्टार्ट किया है, वहां से क्वेश्चन सॉल्व करने का। आई शो यू हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस। आपको ओपन करते ही आपके पास सारे ही सब्जेक्ट के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। आपको जिस भी सब्जेक्ट का टेस्ट सॉल्व करना है उस सब्जेक्ट पे क्लिक करिए, उसके बाद में सब टॉपिक्स दिए हैं, जैसे कि हिस्ट्री को क्लिक करने के बाद एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, देन इसके बाद में चैप्टर वाइज एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस सेग्रीगेटेड हैं। एक पर्टिकुलर टॉपिक में आपको मोर देन 70 से भी ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं एंड कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद जब आप चेक करते हो तो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दी हुई होती है, जिससे आपको थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उस टॉपिक के रिगार्डिंग। व्हेन स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, चेकिंग योर प्रोग्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल आइडेंटिफाई वेदर यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन और नॉट, एंड दिस ऐप कैन हेल्प यू ऑन दैट। डाउनलोड द मेमो यूपीएससी ऐप टू प्रैक्टिस द मोस्ट ऑथेंटिक यूपीएससी लेवल क्वेश्चन सिंप्लीफाइड, सेग्रीगेटेड एंड इजिली प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी सिलेबस। स्टार्ट विद एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन एंड देन मूव टू क्वेश्चंस फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स, एंड इन बिगनिंग ऑफ योर प्रिपरेशन दिस कैन बी रियली यूजफुल। द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो एंड डाउनलोड दिस ऐप फ्रॉम देयर। सो आफ्टर कम्प्लीटिंग माई लेक्चर्स आई सॉ सम अदर वीडियोज एज वेल एंड देन इसके बाद अपना लंच बनाने के लिए आ गई। लंच में मैंने आज बनाया कढ़ी चावल। हर दिन अपने हाथ का बनाया खा करके ना मुझे सच में बहुत अच्छा फील होता है। थैंक गॉड
कि मैंने खुद से बनाना स्टार्ट किया और मैं घर से दूर रहने के बाद में भी घर का फ्रेश और हेल्दी खाना खा पाती हूँ। एंड इसकी वजह से मैं बाहर के टिफिन वाले खाने से भी बच गई, वरना आई डोंट नो मेरी हालत क्या होती। हमारा डाइट हमारे लाइफस्टाइल का ना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, एंड अगर उसके ऊपर नहीं ध्यान दो ना तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ना लाइफ बहुत मेस्ड अप हो जाती है। तो मेरा एक ही सजेशन सबको होगा कि प्लीज़ टेक केयर कि आप क्या खा रहे हो और कहाँ से खा रहे हो। तो लंच करने के बाद मैंने अपना टेबल अरेंज किया नेक्स्ट स्लॉट के लिए, और तभी मेरा एक पार्सल आया। मैंने एक्चुअली एक बुक ऑर्डर करी थी और मैं वापस जब लेके आ रही थी इतना थक गई कि मैंने अनबॉक्सिंग नहीं दिखाया। बट जब मैंने वो पार्सल रिसीव किया था ना, तभी मुझे लग गया कि यार ये बुक तो नहीं हो सकती, और मेरी बुक काफ़ी ज़्यादा मोटी थी, लाइक 500 पेजेस की, इतनी हल्की बुक तो नहीं हो सकती है। एंड ओपन करने के बाद यू वोंट बिलीव कि कार्डबोर्ड को बुक के फॉर्म में जस्ट अरेंज करके पार्सल पैक कर दिया था, एंड मेरी वो बुक अराउंड 600 की कुछ थी। एंड ये मैंने बुक फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करी थी, और सीरियसली मैं बहुत दिन से इस बुक का वेट कर रही थी, एंड रिसीव होने के बाद में आई वॉज टोटली इन शॉक्ड, लाइक वॉट हैज़ हैपेंड, इट वॉज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। इमीजिएटली आई कॉन्टैक्टेड द कस्टमर सपोर्ट, और वहाँ से मुझे अश्योरेंस मिला कि 24 आवर्स के अंदर जब भी आपका रिफंड है अमाउंट वो हो जाएगा। बट मेरा रिफंड 2 दिन के अंदर हो गया था, बट माई एक्सपीरियंस वॉज रियली पैथेटिक, और ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ था। मैंने फ्लिपकार्ट से बहुत ज़्यादा शॉपिंग करी है, बट दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। मे बी सेलर छोटा होगा, दैट्स वॉट ऐसी मिस्टेक हुई। बट उसके बाद मैंने रिव्यू भी डाला सो दैट कोई नेक्स्ट बंदा है जो ऑर्डर कर रहा है एंड वेट कर रहा है किसी बुक का एमरजेंसी में, तो ऐसा ना हो उसके साथ में। देन ये सब चीज़ें सॉर्ट करते करते मुझे थोड़ा टाइम लग गया था। उसके बाद में मैंने अपनी जो रीडिंग थी सब्जेक्ट की वो स्टार्ट कर दी, और आज मैं क्लाइमेटोलॉजी की रीडिंग कर रही थी। तो मैं अपनी रीडिंग खत्म करने के बाद में आपसे मिलती हूँ। तो अभी मैंने अपना ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है, और अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी। इसके बाद फिर हम जो अपने बचे लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट करेंगे, देन आंसर राइटिंग, एंड ऐसे करके स्लॉट्स आगे बढ़ता जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। तो लेट मी टेक अ रेस्ट फॉर अ व्हाइल एंड आई विल बी बैक आफ्टर दैट। तो मेरे फ़ोन का स्टोरेज फुल हो चुका था, उसकी वजह से मैं ये लेक्चर लेने वाला क्लिप नहीं रिकॉर्ड कर पाई। बट वो सारे लेक्चर्स ख़त्म करते करते शाम हो गई थी, और मैं चली आई अपनी फेवरेट प्लेस। टहलते टहलते थोड़ी बॉडी रिलैक्स भी हो जाती है और मन भी दूसरा हो जाता है, तो पढ़ने में वापस से मन लगने लगता है। तो मैं यहाँ आराम से बैठ करके ठंडी ठंडी हवा इन्जॉय कर रही थी, और ये थोड़ी देर का ही इन्जॉयमेंट था, बट मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद ऐसा मौका मिला था। इसके बाद में मैं जूस पीने के लिए चली, और जब से मैंने ऑरेंज जूस पिया है ना, उसके बाद से मैं सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज जूस ही पीती जा रही हूँ हर बार। घर आने के बाद जो भी मैंने आज याद किया था उसकी मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट करी। जब मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट करी ना, तो पता नहीं क्यों मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा गंदी आ रही थी। आज पूरे दिन मैंने लेक्चर्स को नोट डाउन किया है, बट इतनी बेकार राइटिंग तो नहीं आई। मे भी थोड़ा जो अंदर से आंसर राइटिंग का डर रहता है ना, उसकी वजह से ऐसे आंसर राइटिंग आ रही हो। बट आई ऑल्सो डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सी यू इन माय अपकमिंग व्लॉग। टिल दैट टाइम कीप स्माइलिंग एंड कीप शाइनिंग।